अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने लगी हूँ। कल ईद है तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा स्वीट बना लूँ ज़रा। आज मैं एगलेस केक चॉकलेट बना रही हूँ, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स, ये मैदा है 1 कप, ये 1/4 कप चीनी है, ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, ये मक्खन था मेरे पास तो उसको मैंने ऐसे उसको मेल्ट कर लिया। मक्खन ना हो तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप है ये, देखिए ये 1/2 कप दूध का है और 1/4 कप कंडेंस मिल्क लूँगी। इसमें एग शामिल नहीं है। तो सबसे पहले मैं मैदे को शुगर, चीनी और ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसको, इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो शुरू करते हैं अपना एगलेस चॉकलेट केक। ये मैंने सब चीज़ें छान ली है, इसमें से एयर भी निकल जाएगी और ये अच्छा इसे सॉफ्ट सा केक बनेगा। बेकिंग पाउडर, मैदा, चीनी, कोको पाउडर, इन सबको एक ही छलनी से मैंने छान ली है। और ये दूध है, कंडेंस मिल्क है और इसमें मक्खन, घी, जो कुछ आप ऑयल शामिल करना चाहें वो है इसमें। अब ये मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, हैंड मिक्स ही कर लें आप इसको, स्पैचुला से कर लें आप तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं मिक्स करती जा रही हूँ, हाफ मैंने डाला है, हाफ में मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब ये मेरे पास मोल्ड है, इसको मैंने तैयार कर लिया, इनमें से मैं इसमें डालूँगी इसको, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। यदि मैंने इसको रेडी कर लिया, अब मैं इसको इस ओवन में रखती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दूसरा केक मैं एग वाला बना ली हूँ, हाफ कप वाला, हाफ कप शुगर और ये 2 अंडे, इनको मैं मिक्स करूँगी सबसे पहले। और ये हाफ कप ही मेरे पास मैदा है, मिक्स करती हूँ इसको फिर। दूसरा मैंने डाला है अपने मोल्ड में, ये थोड़ी सी चॉकलेट है, मैं आपको उसके ऊपर डाल के भी दिखाती हूँ। ये कोको पाउडर है 1 टेबल स्पून, थोड़े से पानी में मिक्स किया और ये थोड़ा सा बैटर निकाल के इसमें मैंने इसको मिक्स करना है। मैंने डाल दी इसके ऊपर बैटर, अब मैं सत्तर से ड्राइंग क्रीम कर देती हूँ। ये मार्बल केक बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको ओवन में रखती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये मेरा मार्बल केक रेडी हो गया, ठंडा होता है, मैं इसको फिर आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये मेरा केक बेक हो गया, रेडी हो गया, अभी इसके ऊपर आपको फ्रॉस्टिंग करके दिखाती हूँ। ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है मेरा, ये चॉकलेट थी मेरे पास, इसको मेल्ट किया, मैं इसके ऊपर डालूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस कदर सॉफ्ट बना है कि मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये इजीली अभी नहीं निकल रहा, थोड़ा सा गर्म भी है इस वजह से ये नहीं निकल रहा। ये देखिए, ये टूट रहा है बिल्कुल, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये एगलेस केक, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का, बच्चों का फेवरेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।